इदारों की इज्जत नहीं बल्कि इदारों की जिम्मेदारियां होती हैं। कोई इदारा या फर्द अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहे तो उसके लिए सज़ा और जज़ा का एक सिस्टम है। ये नहीं कि मिट्टी पाओ, जो हो गया उसको छोड़ दो, उसके बाद आगे निकल जाओ। पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो कि इलेक्शन के लिए 8 फरवरी का दिन चुना है इलेक्शन कमीशन ने, मगर ये इलेक्शन तो 90 रोज़ में होने थे, ये 6 महीने बाद क्यों हो रहे हैं? इस पर जब सज़ा या जज़ा का तयन नहीं होगा तो जो भी आएगा आइन को यूं तू से रोंद कर आगे निकल जाएगा। अब इस पे जिसकी भी गलती है, वो चाहे सदर है, वो चाहे इलेक्शन कमीशन है, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट है, जिससे भी निगलिजेंसी हो, जिसने भी ये निगलिजेंसी की है, उसके लिए सज़ा या जज़ा का तयन होना चाहिए। अब अगर हम इस पूरे सिनेरियो को देखें तो वो है ना अभी से करप्ट इलेक्शन के डेट का, ये तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम इतनी शऊर रखती है कि उनको पता है ये स्क्रिप्टेड था, ये पहले से तय था। जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को इस केस को टेकअप करने के लिए नहीं कहा गया था, हालांकि ये केस काफ़ी पहले से फाइल हो चुका था, तो उसको रोका गया था ताकि बीच में 5-6 महीने का टाइम मिल जाए। इतने करीब जाके केस को टेकअप किया जाए तो इस नवंबर में इलेक्शन होने थे, नवंबर में जो ना पूरे होने हैं 90 रोज़, तो अब इस केस को टेकअप किया गया है ताकि ये कहा जा सके अब तो हो ही नहीं सकते, 2-3 दिन रहते हैं। अब किससे मुख्तसर ये है कि सदर को भी फैज़ ईसा साहब ने राज़ी किया। अगर सदर का रोल नहीं था बकौल इलेक्शन कमीशन के, पहले जब सदर साहब ने इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया था सिकंदर सुल्तान राजा को, तो उसने कहा था खुद हिलारियो, तो मैं कौन होता हूँ सदर को जवाब देने वाला। अब फैज़ ईसा साहब ने कहा है कि आप सदर के पास जाओ, सदर के साथ डेट के लिए मुशावरत करो। जब माजी में सदर ने बुलाया, यानी कि ये समझ रहे हैं फैज़ ईसा साहब के सदर का रोल है इलेक्शन की तारीख देने में, तो फिर माजी में सिकंदर सुल्तान राजा जब सदर के पास नहीं गए, सदर ने खत लिखा है, तो उस पर क्या हुआ? उस पर कोई सज़ा या जज़ा नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। और उसके बाद सदर ने जो पंजाब और KPK में इलेक्शन की तारीख दे दी, उस पर भी सिकंदर सुल्तान राजा के लिए कोई सज़ा जज़ा नहीं है। ये कोई कानून और आइन से कोई बालातर शख्सियत है। 90 रोज़ में उन्हें पता था कि PTI को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, वो मैनेज तो खैर अब भी नहीं कर पाए, मगर इस दौरान उन्होंने काफ़ी सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज वगैरह, पार्टी को जितना तोड़ फोड़ सकते थे। इनकी ये जो डिकेइंग प्रोसेस था ना, ये थोड़ा स्लो था क्योंकि PTI का वोट बैंक ही इतना था, लेकिन उन्होंने कोशिश किया है कुछ टाइम गेन करने के लिए। और ये जो साबिक हमारे चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदियाल साहब, उसने भी इस केस को टेकअप ना करके उसने भी इसमें अपना हिस्सा डाला है 90 रोज़ में इलेक्शन का, जो जनरल इलेक्शन का। खैर उसने सुबह में तो इलेक्शन का उसका हक बनता था, उसने उस पर टेकअप किया भी है, उसने अपना ऑर्डर भी पास किया है, मगर ये और बात है कि उस पर सजा या जजा अब नहीं तो कभी ना कभी जाके ज़रूर होगी। ये चीज़ें सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ ज़रूर जाएंगी, मगर वक्त आने पर, क्योंकि माजी में भी देखें जो मोहरे बने हैं फिर उनको बलि का बकरा भी बनाया गया है। अब जिस तरह सिकंदर सुल्तान राजा ने बेदर्दी से आइन की बेतौकीरी की है, ये जो हमारे ऊपर वाला एक टोला है ना, जिसे हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं या जिसे हम सेंटर ऑफ पावर कहते हैं, इनका पासा पलटने में कोई देर नहीं लगता। जो माजी के जो हीरो थे वो अब के विलन हैं, जो अब के विलन हैं हो सकता है ये माजी के मुस्तकबिल के हीरो बन जाए। ये ऊपर से जो भी चेन तब्दील हुआ, अब वही बंदा विक्टिम है। ये सिकंदर सुल्तान राजा को विक्टिम बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा।